विधायकों की सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। 1 दिसंबर से 24 विधायकों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कांग्रेस के 22, बीजेपी के 2 विधायकों की सुविधाएं बंद होंगी। 4 एमएलए के आवास और 20 एमएलए का आवास भत्ता बंद होगा। नए विधानसभा के गठन से पहले उनको आवास खाली करना होगा। तो कांग्रेस के 22 और बीजेपी के 2 विधायक हैं जिनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कल से 24 विधायक जिनको के टिकट नहीं मिले उनकी ये सुविधाएं बंद हो रही हैं। और कौन वो विधायक हैं? किस्मतलाल नंद, शकुंतला, प्रेम साय टेकाम, ममता चंद्राकर, भुवनेश्वर बघेल, गुरदयाल बंजारे, बृहस्पति सिंह, छत्री साहू, ये वो विधायक हैं जिनकी सुविधाएं बंद हो रही हैं। रिकचंद जैन का नाम भी इसमें शामिल है। विनोद और चिंतामणि महाराज हैं, शिशुपाल शोरी हैं, राजमन बिंजाम हैं, अनिता शर्मा, अनूप नाग, देवती कर्मा, सत्यनारायण शर्मा, चंद्रदेव राय, मोहित किरकेटा, विनय जायसवाल और बीजेपी के डमरूधर पुजारी और रजनी सिंह इन विधायकों में शामिल हैं जिनकी सुविधाएं बंद हो रही हैं। और नई विधानसभा के गठन से पहले इनको अपना जो सरकारी आवास विधायक होने के नाते अलॉट किया गया था उसको खाली करना होगा। तो 24 विधायक जिनकी सुविधाएं बंद की जा रही हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। अनिता शर्मा है, अनूप नाग, देवती कर्मा, सत्यनारायण शर्मा, ये वो विधायक हैं जिनके यहां पर विधायकों की जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बंद हो रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा किशोरवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा, 24 वो नाम जिनको कि नए विधानसभा के गठन से पहले सरकारी आवास खाली करने होंगे, तो ये कितना बड़ा झटका इनके लिए माना जाए? बिल्कुल एक झटका के तौर पे इसे देखा जा सकता है, क्योंकि अब नई सरकार बनने जा रही है और नई सरकार अब कौन होती है और नए मंत्रिमंडल का भी जो है वो गठन होगा, नए विधानसभा का विस्तार होगा, तो निश्चित ही जो पुराने रहे हैं 4-5 साल से विधायक पद पर रहे हैं जिन्हें टिकट जो है वो नई पार्टियों में नहीं मिली, कांग्रेस के 22 विधायक है जिनको टिकट नहीं मिली दोबारा और बीजेपी के 2 ऐसे विधायक है जिनको दोबारा जो है वो टिकट नहीं दी गई है, तो इन 24 विधायकों को आवास खाली करने का, सरकारी आवास खाली करने का जो नोटिस है वो दे दिया गया है और 1 दिसंबर से पहले यानी कि आज ही उनको ये अपना बंगला जो है वो खाली करना होगा। तो इसी तरीके से अब चूंकि सरकार यहाँ पर 3 दिसंबर को जो है वो नतीजे आएंगे और उसके बाद से ही सरकार नए मंत्रिमंडल का जो है वो गठन होगा, तो निश्चित ही इसमें कांग्रेस से शकुंतला साहू है, लक्ष्मी ध्रुव है, प्रेम साय से टिकाम है, ये कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और इनको मंत्री पद से भी हटाया गया था और बाद में किसी विभाग के यहाँ पर जो है इनको जिम्मेदारी दी गई थी। ममता चंद्राकर है, भुवनेश्वर बघेल है और किस्मत लाल नंद है, गुरदयाल बंजारे, बृहस्पत सिंह, छन्नीलाल साहू, रेखचंद जैन, ये वो विधायक है जिनको कांग्रेस ने दोबारा जो है वो टिकट नहीं दी थी। भाजपा से यदि हम बात करते हैं तो डमरूधर पुजारी और रजनीश सिंह हैं जिनको जो है भाजपा ने टिकट नहीं दी थी और निश्चित है अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अब इन्हें जो है जल्द से जल्द यहाँ पर सरकारी आवास और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो गाड़ियों की सुविधाएं मिल रही हो, तमाम सुविधाएं मिल रही हो, उन सुविधाओं से जो है इनको मुक्त किया जाता है, तो निश्चित ही आज के डेट में इनको अपना बंगला जो है वो यहाँ पर खाली करना होगा। हालांकि प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी जिससे गाड़ियों का पहले ही जो है संचालन नहीं किया जा रहा था, तो गाड़ियां तो पहले ही ले ली गई थी, लेकिन अब जो है इनको बंगला भी यहां पर खाली करना होगा, तो आज ही इनके पास जो है वो वक्त है। जी नेहा, कई बार कई जगहों पर ही देखा गया है कि ऐसे तमाम लोग जो है वो कई एन केन प्रकार कई ऐसी अपनी इसमें जुगाड़ और तरकीबें भिड़ाते हैं और सरकारी आवास खाली करने से बचते हैं। आपकी अगर किसी से कोई बात हुई हो कि ऐसा कोई व्यक्ति है इन 24 नामों में से जो कि कह रहा हो कि नहीं हमारी ये वजह है और इस वजह से हम अभी नहीं आगे चलकर खाली करेंगे? अभी फिलहाल इस तरीके की कोई वजह सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ एक मौका होता है विधायकों के पास कि कोई अपनी जो है वो स्वास्थ्य की मजबूरी हो या फिर कोई पर्सनल ऐसी मजबूरी हो, इस दौरान जो है वो किराया देकर के उस बंगले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नियम ऐसा है, तो निश्चित ही अभी तक चूँकि आज ही अंतिम समय है तो अभी तक ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं या ऐसा कोई मामला नहीं आया है, और आता है और अगर उनकी मजबूरी है और निश्चित ही यहाँ पर जो है उनको सहयोग किया जाएगा और वो